हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने हाफ के जी पनीर का यूज़ किया है। उसको क्यूब शेप में कट करके मैंने पहले ही शैलो फ्राई करके निकाल लिया है। अब हम कढ़ाई में 2 स्पून ऑयल डालकर उसमें 8-10 कलियाँ लहसुन और 1 इंच के लगभग अदरक डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम 8-10 काजू के डालेंगे और उसको भी फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाए तो उसमें मैंने 2 कटे हुए प्याज और 2 कटे हुए टमाटर डालकर उससे अच्छे से फ्राई कर लिया है। हम इसे इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हम इतना फ्राई करेंगे कि ये बस ट्रांसपेरेंट हो जाए, हमें ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। अब इसे हम, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक जार में निकाल कर ठंडा करेंगे और इसका एक थिक पेस्ट बना लेंगे। हम वापस से कढ़ाई में 2 स्पून ऑयल डालेंगे और उसमें अपनी सब्जियां, शिमला मिर्च और अनियन को मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया था, उसको फ्राई करेंगे। इसको भी तब तक ही फ्राई करना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, ताकि इसकी क्रंचीनेस बनी रहे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। अब हम अपनी ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में वापस से 2 स्पून ऑयल लेंगे एंड उसमें अपने सारे पेस्ट को डाल देंगे। पेस्ट को डालने के बाद हम इसमें रेगुलर मसाले, जैसे कि मैंने इसमें डाला है 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1.5 स्पून रेड चिली पाउडर एंड 1/2 स्पून भुना जीरा हुआ पाउडर, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसको सिम करके इसको ढककर 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। 5 मिनट तक पकाने के बाद इसमें मैंने 1 कटोरी दही का यूज़ किया है। हम इसमें 1 कटोरी दही को ऐड करेंगे। दही को डालने के तुरंत बाद हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, आप कम खाते हो तो कम डालिए, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डालिए। फिर इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके हम वापस से ढककर 5 मिनट के रख देंगे। 5 मिनट बाद हम देखेंगे कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन गया है और इसके चारों तरफ से ऑयल छोड़ने लगा है। अब इसमें हम 2 कप के लगभग पानी डाल के इसकी एक ग्रेवी तैयार करेंगे। आप कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिएगा, आपको जितनी पतली खानी हो आप उतना पतला रख सकते हो। उसके बाद हम अपने इसमें सब्जियां जो हमने फ्राई करके रख रखी थी और पनीर, इनको अच्छे से डालकर मिक्स करेंगे और सिम करके इसको 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। लास्ट में इसमें हम 1/2 स्पून गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से हम ढककर पकाएंगे। 5 मिनट बाद हम इसको ओपन करेंगे, देखते हैं हम कितना अच्छा इसका रिच कलर आया है और ये दिखने में भी सुंदर लग रहा है। ये हमारी सब्ज़ी लगभग तैयार हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डालेंगे ऊपर से। आप चाहे तो इसमें धनिया पत्ती का भी यूज़ कर सकते हो। कस्तूरी मेथी डालने के बाद आप देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इसे, ये हमारी सब्ज़ी लगभग तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें सर्विंग बोल में निकाल कर आप इसको चाहे तो चपाती या फिर राइस किसी के साथ इंजॉय कर सकते हो। ये रेसिपी मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी क्योंकि उसे मन कर रहा था खाने का। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और इस तरह के वीडियोस और देखने हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।